फ्रेंड आज हम एक डिश टीवी का सेटअप बॉक्स ले आए हो जो डिश प्लस का है। उसका नंबर है 4005IS। इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है देख लीजिए पहले। इसको पावर सप्लाई लगाते हैं, लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कोई स्टैंड बाई लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो पहले हम इसका जो मशीन है ये खोल के रखा हो और इसका पावर सप्लाई को आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज, ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यह देख लीजिए 12 वोल्ट का बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले पावर सप्लाई को लगाते हुए इसका जो पहला वोल्टेज आना चाहिए वो देखिए, इसका 12 वोल्ट यहाँ तक तो सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इस रेगुलेटर से आउट होके यहाँ पर एक आना चाहिए 5.5 वोल्ट, वो नहीं है। यहाँ पर इस कॉइल में 1.5 का, ये तो ठीक है कोर वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट जो है सप्लाई वो नहीं है, इसका जो रेगुलेटर का सप्लाई पॉइंट भी वोल्टेज नहीं है। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। तो चलिए इस सेट को हम इजीली कैसे एक मॉड्यूल की तरह सही करेंगे वो आपको दिखाएंगे। चलिए तो इसका जो देखिए इसका बैक साइड में आप इजीली इसका जो 12 वोल्ट का पॉइंट है वहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट। और इसका जो रेगुलेटर का सप्लाई है हम यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का सप्लाई देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले हम ये 12 वोल्ट का कनेक्शन हम करते हैं, ये 12 वोल्ट कनेक्शन दे दिया और यहाँ पर हम देंगे 3.3 वोल्ट आउट। चलिए इसको आउटपुट वोल्टेज भी लगा दिया, पहले इसको आपको चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, अभी देखिए वोल्टेज को यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1.5 आ गया। यहाँ पर हमने दिया 3.3 का सप्लाई और यहाँ पर पहले से ही था 1.1 का कोर वोल्टेज। तो ये देखिए इसका जो ग्रीन लाइट है वो भी जल गया, रेड होके ग्रीन जल गया। तो देखा कितना इजी है, एक छोटा सा मॉड्यूलर लगाने से आपका जो डिश टीवी का बॉक्स है वो सही हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।